हेलो गाइस मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जेके दो सौ संतालीस और गाइस आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो हम आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके पूरा दिन रात मेहनत करके आपके लिए कॉन्टेंट बना के लाए हैं दस बारह क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन वैसे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप देखते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया गाइज ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता वही क्वेश्चन हम ढूंढ के लाए हैं आपके लिए एक बहुत तरीन कंटेंट बना के लाए हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे रखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं जैसे ही ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको आंसर आता होगा आप जल्दी से आंसर दे दोगे पर वो आंसर देने का कमाल नहीं है इस मैं आपको इसमें एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ जैसे पूरे जो आंसर दिए होते हैं चार के चार उसे एलिमिनेट करके एलिमिनेट करके जानक एक, एक आंसर के बारे में पूरा जान के फिर आप आंसर दीजिए आपका आंसर कभी भी गलत होना ही नहीं होगा गाइस कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ चलते हैं मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ दस सेकेंड देता हूँ आपने क्या करना है पाँच मिनट में जल्दी से कमेंट में बता के बता देना है कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ दी नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वीवनवाई जो इन्वर्टर में दिया होता है गाइज वो ही असली फैक्ट होता है क्वेश्चन का वो ही आपको पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेम है एक वो किसने दिया है ये एक पार्टी है गाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपने बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी का नाम किसने दिया है तो फिर मैं आपको बाद में डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या इसके बारे में है तो जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर दे पाता है तो चलो गाइस दस सेकंड होने वाले हैं एक दो सेकंड ही बचा हुआ है तो टाइम अप तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसने आंसर दिया अच्छी बात है नहीं दिया कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है तो चलते हैं कि ये नाम किसने दिया है पहली बात तो क्वेश्चन में आ गई ये वाला नाम किसने दिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नाम आया कहाँ से ठीक है ना ये नाम कहां से आया तो यह नाम दिया गया है सीधा मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं यह नाम दिया गया है दादा भाई नरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी का एक नाम है कांग्रेस पार्टी का तो वो नाम किसने दिया है दादा भाई नरोजी अब बात आती है कि इसका फाउंडर कौन है किसने बनाई तो चलते हैं ऊपर बोमेश चंद्र बने तो आप अगर गूगल में सर्च करोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर कौन है तो आपको वहां पर गाइस डबल सी बोमेश चंद्र बनर्जी भी बताएगा और उसके ऊपर चलेंगे ए ओ ह्यूम के द्वारा तो ए ह्यूम जैसे ही आप वहां पर सर्च करोगे कि फाउंडर कौन है तो वहां पर आपको ए ओ ह्यूम भी दिखाएगा और जो ऊपर आंसर है एस एन यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो भी आपको दिखाएगा वहाँ पर क्योंकि ये चारों आपको आंसर वहाँ पर दिखाई इसलिए देंगे क्योंकि ये इकट्ठा होकर इन्होंने ही सभी ने मिलकर इसकी फाउंडेशन की है यानी कि इसको बनाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो नाम दिया गया था वो दादा भाई नरोजी ने दिया था सभी ने थोड़ा थोड़ा काम किया है और इस पार्टी को बनाया है तो मैं हालांकि बता दूं जो इसके सही फ़ाउंडर माने जाते हैं उसके बारे में आपने पता नहीं नाम सुना होगा या ना सुना होगा मैं आपको बता देता हूं उसका नाम था के कामाराज के कामाराज इसका नाम था जो इसके असली में जो इसके फाउंडर थे वो उसका नाम था के कामाराज के यानी कि कुमारा स्वामी कुमारा स्वामी यही माने जाते हैं गाइज पॉलिटिक्स के इंडिया के पॉलिटिक्स के किंग मेकर जो माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं के कामाराज तो ये पार्टी कब बनी थी उस पर चलते हैं ये बनी थी अठारह में यानी कि अठारह में बनी थी उस समय क्या हुआ था गाइस कि उस पार्टी में हिस्सा लिया गया था 72 डेलीगेट्स का 72 डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था तो मैं आपको बता दूं डेलीगेट्स क्या होते हैं डेलीगेट्स वो होते हैं जैसे कोई एक बंदा किसी ग्रुप के द्वारा चुना जाए और यानी कि बोलने के लिए चुना जाए या जा वोटिंग के लिए चुना जाए वो बंदा एक उसे हम डेलीगेट कहते हैं तो ये कब हुई थी कब बनी थी डेट एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं एग्जैक्ट डेट है इसकी ट्वेंटी एट दिसंबर एटीन 1885 फाइव एटीन एटी फाइव ईयर में और ट्वेंटी एट दिसंबर को गाइस ये वाली पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ये आपको पूरा पूरा याद रखना है और यो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि 1885 एटी फाइव में कहाँ पर बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए ये बनी थी बॉम्बे में बॉम्बे में मैं गाइस जी याद रखना ये बॉम्बे तो आगे चलते हैं तो जो सबसे फर्स्ट चेयरमैन थे इंडियन सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था बॉम्बे में वो फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे ये भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में गाइस बड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं बड़े ज़्यादा आंसर हैं बड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो चलते हैं कि फर्स्ट जो सेशन हुआ था बॉम्बे में उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इन चारों में से ही कोई एक चेयरमैन था यानी कि ये खुद खुद ही चला रहे थे इन पार्टी को यानी कि फाउंड ये सभी इनके फाउंडर हैं और खुद ही बन जाएंगे चेयरमैन वो को आपको पता होगा यानी कि इस में चारों में से कोई एक ना एक फ़ाउंडर होगा यानी कि चेयरमैन होगा वो आपको बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं पता है तो इसमें वो चेयरमैन है उमेश चंद्र बनर्जी जो फर्स्ट चेयरमैन बॉम्बे सेशन के बने थे और उसके बाद जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें भी ये वाले इन चारों नाम में से ही एक नाम है जो वहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया मैंने बोला आपको कि यही चारों गिल गुल मिल के ही सभी जो सेशन में कि कभी किसी को बना रहे हैं कभी किसी को बना रहे हैं इन चारों में से ही दूसरे सेशन में जो कलकत्ता सेशन हुआ था अठारह में यानी कि पहला सेशन अठारह सौ पचासी में दूसरा सेशन हो गया कलकत्ता सेशन हो गया अठारह में उसमें कौन होंगे चेयरमैन उसमें चेयरमैन थे यानी कि बूढ़े दादा समझ आई बूढ़े दादा का मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये आपको इधर से ट्रिक पता चल जाएगी दादा दिया हुआ है दादा यानी कि ग्रैंड फादर तो वहां से बन जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन तो मिल रहा है ना ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी तो यहाँ पे दादा दिया हुआ है एक ट्रिक बन गई मिल मिलजुल रहा है कि दादा यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है गाइस क्वेश्चन पेपर में तो आपको याद रखना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है ये आपको पक्का याद रखना है दादा नरोजी तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपके हाथ में आ गई होगी आप इस पूरी डिटेल को बांध के रखिएगा ये डिटेल आपको आगे जितने भी टेस्ट आएंगे अगर इस इस क्वेश्चन में से अगर घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप कभी भी ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे ठीक है गाइज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे तो गाइज आगे हम दूसरे क्वेश्चन पे मैं आपको बता दूं दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन पे सीधा सीधा दिया हुआ है कि गदर पार्टी वाज फाउंडेड एट ये उन्होंने ये पूछा अगर एट लगाया हुआ है यानी कि वो किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि कहाँ पे बनाई गई है ये पार्टी अगर यहाँ पे बाय लगाया होता वाज फाउंडेड बाय बाय का मतलब किसके द्वारा बनाई गई है ये पार्टी मतलब पता चल गया अगर ऐड दिया होगा तो कहाँ पर बनाई गई है अगर बाय दिया होगा तो किसने बनाई है तो मैं आपको बता दूँ कहाँ पे बनाई है तो अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है पर मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ और आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूं जो दिया हुआ है नीचे चलते हैं आंसर पे कि गदर पार्टी कहां पे बनाई गई है गदर पार्टी कहाँ पे बनाई गई है यहाँ पे दिया हुआ है वेरलिन तो वेरलिन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चीज है वेरलिन कैपिटल है जर्मनी की कभी कभार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल ऑफ जर्मनी तो आपने सीधा सीधा आंसर दे देना है वेरलिन यानी कि वेर्लिन जर्मनी की कैपिटल है तो एक क्वेश्चन आपको बन के निकल गया आपका ये क्वेश्चन ज़्यादातर बैंकिंग में पूछा जाता है कैपिटल होगी यानी कि जो कंट्री की कैपिटल पूछी जाती है जो हमारे छोटे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती ये बड़े बड़े एग्जाम में कैपिटल पूछी जाती है कि जो अगर छोटे एग्जाम में पूछी जाएंगी तो वो कैपिटल पूछी जाएंगी इंडिया की यानी कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल पूछी जाएंगी तो यहाँ पे कंट्री की कैपिटल पूछी गई है वो है जर्मनी की कैपिटल वेरलिन तो ऊपर चलते हैं सी पार्ट आंसर पे तो मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेशन से करेंगे तो आसान होगा चारों आंसर अगर आप एक आंसर पढ़ोगे ना कि ये आंसर है तेजी या फटाक से चलेगे पर जब कभी कभार आप दो महीने बाद उस क्वेश्चन को देखोगे ना अगर आपने नहीं देखा होगा बीच में कभी भी तो आपको वो भूल जाएगा आप ढूंढोगे यार कौन सा आंसर है अगर आपने एलिमिनेशन मेथड से किया होगा एक एक आंसर ढूंढ के एक एक आंसर के बारे में पता होगा आपको जैसे ही आप आंसर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये आंसर ऐसे है ऐसे नहीं आंसर ये ऐसे है ऐसे नहीं तो आप जल्दी से आंसर दे दोगे तो सी पार्ट पे चलते हैं सैन फ्रांसिस्को तो ये क्या है ये भी आपको बताएंगे ये एक जगह का नाम है कहाँ की जगह का नाम है ये जगह पड़ती है कैलिफोर्निया में और कैलिफोर्निया कहां पड़ता है ये एक स्टेट है कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है ये पड़ता है गाइज यूएसए में यह आपको पता चल गया कैलिफ यानी कि सैन फ्रांसिस्को यह जगह वहां पर पड़ती है कैलिफोर्निया में और कैलिफोर्निया पड़ता है यूएसए में ठीक है इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको थोड़ा थोड़ा ही जाना है और इस पे यही बात निकल के आती है कि गदर पार्टी कहाँ पे बनाई गई थी ये गाइज इसी क्वेश्चन का आंसर यही है कि सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी बनाई गई थी सैन फ्रांसिस्को पड़ता है कैलिफोर्निया में और कैलिफोर्निया पड़ता है यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो इसके जो आपको पता चल गया इतन, इतना इतना याद रखने से ही आपको ये याद रह जाएगा और चलते हैं बी पार्ट आंसर पे बॉम्बे तो बॉम्बे आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है बॉम्बे में क्या क्या बात है थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो कंसर्न बना के लिंक बना के आप आंसर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे बॉम्बे बॉम्बे क्या है ये कैपिटल है किसकी महाराष्ट्र की अब बॉम्बे को क्या बोला जाता है ये बात आ गई इस पर बॉम्बे को अब क्या बोला जाता है कोई बच्चा बोलेगा यार महाराष्ट्र की कैपिटल तो बॉम्बे नहीं है इसकी कैपिटल तो मुंबई है तो अगर उसको इसके पीछे की बात पता होगी तो फटाक से आंसर देगा और पता चल जाएगा उसे क्या है इस क्वेश्चन का खेल क्या है असली बॉम्बे को ही हालांकि बदला गया था मुंबई में यानी कि बॉम्बे ही कैपिटल थी महाराष्ट्र की तो गायब आपको पता चल गया हो तो बॉम्बे के पहला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था पहले वाला जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी वो था बॉम्बे वो भी आप याद रख लोगे तो उसका चेयरमैन कौन था ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दो जल्दी से मैंने पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ा दी तो ऊपर चलते हैं न्यूयॉर्क के पास न्यूयॉर्क किस के अंदर आती है किस कंट्री के अंदर आती है ये बता दो ये भी गाइस यूएसए के अंदर आती है न्यूयॉर्क एक सिटी जो यूएसए के अंदर आती है ये आपको याद रखना है ठीक है और असली बात कवि कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन थोड़ा कभी कभार पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ पार्टी किसके द्वारा बनाई गई है गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय तो आपने फटाक से आंसर दे देना है डॉक्टर हरदयाल हरदयाल इसके फाउंडर हैं गाइस गदर पार्टी के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एक बार नहीं बार बार पूछा जाएगा आपको क्या पता अगले एग्जाम में जैसे फोर्थ क्लास का एग्जाम आए तो हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन उठाया जाए तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि गदर पार्टी किसने बनाई है गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय हर दयाल तो कब बनी थी ये भी मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ ये डेट है पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ तेरह आपको पंद्रह जुलाई मैं एक बात बताता हूँ आपको हम गए थे यून असिस्टेंट का टेस्ट देने इधर गए थे लुधियाना के पास जलंधर में जलंधर में हम देने गए थे हमने क्या किया था कि ऊपर ऊपर की डेट याद कर ली थी जैसे जल्हा वाला बाघ हत्याकांड कब हुआ फिर जो डांडी मार्च वाली डेट हमने क्या किया कि ईयर याद कर लिए डेट याद नहीं की उन्होंने कैसे क्वेश्चन डाला मैं आपको बता देता हूँ बहुत बार ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं हम भी कन्फ्यूज हो चुके हैं तभी आपको बता रहे हैं कि आपने कन्फ्यूज नहीं होना तो वो क्या कर देते हैं जैसे अगर आपको क्या पता क्वेश्चन पूछा जाए कि गदर पार्टी कब बनाई गई थी ये बनाई गई थी आपको डेट दे दी दे दी जाएंगी मैंने जो एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूँ पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ तेरह वहाँ पर आपको क्या दिया होगा कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको दिया होगा पंद्रह जुलाई उन्नीस सौ तेरह तेरह जुलाई उन्नीस सौ तेरह चौदह जुलाई उन्नीस सौ तेरह सोलह जुलाई उन्नीस सौ तेरह तो अगर जिस बच्चे ने डेट नहीं याद की होगी एग्जैक्ट तो वो बच्चा फंसा पूरा क्वेश्चन पढ़ के भी उसका एक नंबर गया गया ना एक नंबर उसने क्वेश्चन पढ़ रखा है पर उसने बच्चे ने गलती कर दी डेट याद नहीं की तो काम खत्म एक क्वेश्चन गया एक क्वेश्चन का ही फासला रहता है गाइस ए इमबिशन को हासिल करने के लिए एक क्वेश्चन का फासला रहता है तो ये आपने याद कर लेनी है 1.5 जुलाई 1913 को गदर पार्टी बनाई गई थी तो अगर आप कोई इंफॉर्मेशन कोई आपको बोलता है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है याद रखो इसे तो आपने याद रखना है तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हालांकि जो इसके आंसर थे वो मैंने आपको बता दिए इस पार्टी का फाउंडर बता दिया ये पार्टी कब बनी थी ये बता दिया और जो तो हालांकि थोड़ा थोड़ा आंसर में कुछ था वो भी आपको बता दिया अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे तो आ गया गाइस हम तीसरे क्वेश्चन पे पर यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन लिखा गया है तो आप घबराइए मत कि क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं क्वेश्चन कोई स्किप नहीं हो रहा मैं आपके लिए वही क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस इसपे चलते हैं तो आपको दिया गया है हु फॉलोड पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलियंस तो ये वाली नीति किसने अपनाई थी सब्सिडरी एलियंस यानी कि ये वाली मित्रता सहायक संधि किसने अपनाई थी तो ये इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दी है नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ चलते हैं लास्ट वाले आंसर पे लॉर्ड डेल हाउजी लॉर्ड डेल हाउजी कौन थे लॉर्ड डेलहोजी थे गाइज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो याद रखिए कि लॉर्ड डेल हाउजी ने यहाँ पर कोई नीति अपनाई होगी सभी ने एक एक नीति अपनाई है तो लॉर्ड डेलहोजी के द्वारा अपनाई गई नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्टरीन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डेलह के द्वारा अपनाई गई नीति है वो आप याद रखिएगा तो ऊपर चलते हैं जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलियंस जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर है लॉर्ड वेल्सले यानी कि ये वाली सहायक संधि वाली जो नीति है सहायक संधि ये नीति अपनाई थी लॉर्ड वेल्सले ने इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड वेल्सले और जो लॉर्ड डाल ने अपनाई थी वो चूक नीति थी दिखाई उसे कहा जाता है डॉक्टरिन ऑफ लेप्स हड़प नीति यानी कि हड़पने वाली नीति वो वाली चलाकी वाली नीति अपनाई थी लॉर्ड डेलहाउजी ने तो लॉर्ड वेल्सले है इन्हें भी कुछ किसी नाम से जाना जाता है ये क्या है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है या क्या है वे मैं आपको बता देता हूँ लॉर्ड वेल्सले क्या है लॉर्ड वेल्सले को ही गाइज टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है टाइगर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है लॉर्ड वेल्सले को और इसी ने सब्सिडरी एलियंस जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जे वाली नीति इसी ने अपनाई थी सहायक संधि और ऊपर चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवेलिस के पास लॉर्ड कॉर्नवेलिस क्या थे ये भी आपको बताते हैं लॉर्ड कॉर्नवेलियस थे गाइस भी एक अच्छे माने जो गवर्नर रह चुके हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवेलियस इनको यो फादर माना जाता है गाइस जो हमारे इधर पुलिस सर्विस है जैसे पुलिस वाली सर्विस आप जानते होंगे और सिविल सर्विस जो उसके फादर कौन माने जाते हैं उसके पिता कौन माने जाते हैं वो माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवेलिस ये आपने मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस किस अदा से यानी किस वजह से जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवेलियस गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल और गाज एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि एक जो बंदा था गवर्नर <popularी> बंगाल का गवर्नर था गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सा गवर्नर था जिसे इंडिया के यूपी में के गाजीपुर में दफनाया गया था यानी इंडिया की स्टेट यूपी के शहर गाजीपुर में दफनाया गया था वो कौन बंदा था कौन सा गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल था जिसे दफनाया गया था गाजीपुर में वो ही था गाइज लॉर्ड कॉर्नवेलिस ये आपने याद रखना है नाम की गाजीपुर में किसे दफनाया गया था यूपी के गाजीपुर इंडिया के यूपी के गाजीपुर में किसे दफनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवेलिस आपने याद रखना है और ऊपर चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ पर वेरिन हेस्टिंग के बारे में वेरिन हेस्टिंग ने ये आप बहुत ही ख़तरनाक बनता था भाई जो सीधा पहले गवर्नर बना और उसके बाद सीधा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है कि फर्स्ट अगर आपको पूछा जाए कि गवर्नर ऑफ लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है तो आपने सीधा सीधा आंसर वैरिन हेस्टिंग और अगर आपको ये पूछा जाए कि फ़र्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है तो आपने सीधा सीधा वेर हेस्टिंग यानी कि वेर हेस्टिंग ने दो काम कर रखे हैं एक तो ये बन गया गवर्नर दूसरा ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना दो तरीके दो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज याद रखना तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कौन क्या है क्या नहीं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो गाइज आ गए हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको दिया गया है चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड इन अठारह सौ ड्यूरिंग डल पीरियड पीरियड इसके पीरियड में को कहां से लेकर कहां तक टेलीग्राफ फर्स्ट जो टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड की गई थी अठारह तिरुंजा में वो कहां से लेके कहां तक की गई थी ये आपको पता होना चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए तो आंसर जिसने भी दिया है ठीक है जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है ये टेलीग्राफ फर्स्ट टेलीग्राफ आपने कैसे याद रखना है फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो स्टार्ट की गई थी बॉम्बे एंड पुणे में बॉम्बे और बॉम्बे से लेकर पुणे तक ये फर्स्ट टेलीग्राफ इन दोनों में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इनमें बॉम्बे और पुणे में स्टार्ट की गई थी वो कब की गई थी ये आपको याद रखना है अठारह सौ तिरुंजा में एक अठारह सौ तिरुंजा में और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी अठारह सौ में और किसके पीरियड में किसके सेशन में की गई थी लॉर्ड डेल होजी गवर्नर जनरल ऑफ़ इंडिया याद रखना आपने तो और यहाँ पे कहाँ से लेकर कहाँ तक की गई थी बॉम्बे और पुणे ये तीन चीज़ें बॉम्बे और पुणे अठारह सौ और किसके सेशन में डा, डा, डेल होजी के तो एक बात और बताना मैं भूल गया आपको कि जो एक बहुत ही जाने माने गवर्नर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको बता दिया फर्स्ट जनरल जन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बता दिया आपको लास्ट वाला और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये नाम से जाने जाते हैं विलियम वेंटिक विलियम पेंटिक वो बंदा था जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये दो तीन क्वेश्चन ही है पहला ये वाला पूछ लेते हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल फिर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट अगर इंडिपेंडेंस दे दिया तो इसका आंसर अलग है अगर ये पूछा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये विलियम वेंटिक तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल यानी कि जो पीछे बैरिन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा आ, कि वो लास्ट वाला गवर्नर बना और फर्स्ट वाला गवर्नर जनरल बंगाल बन गया और यहाँ पे आपने पढ़ना है विलियम वेंटिक विलियम वेंटिक ने लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया और जो फर्स्ट गवर्नर फर्स्ट वाइज ऑफ इंडिया बनेगा उसका नाम है गाइज लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बना है वो है लॉर्ड कैनिंग और जो इंडिपेंडेंस वाला आपको पूछेंगे तो, तो वो उसका नाम अलग है वो आप सर्च कर लीजिए कर लीजिएगा गूगल पे इतना मैं आपको बताऊंगा नहीं तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे तो आ गए हम दूसरे क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं यहां पे दिया गया है हु वाज द फर्स्ट पोर्टगेज वाइजराय इन इंडिया यो कौन सा पहला प्रोटीक्यूज जो बना था वाइजराय बना था इंडिया में तो चलते हैं पहले आंसर पे यहाँ पे दिया गया है गामा। ये, कौन बंदा था? ये आपको मैं बताता हूँ ये बंदे का नाम बहुत ही मशहूर नाम है इसका बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चन वो वाला कि कौन जो फर्स्ट प्रोटीक्यूज था जो इंडिया में सबसे पहले आया था इंडिया में सबसे पहले कौन बंदा आया था जो था वो इंडिया में सबसे पहले कौन बंदा आया था वो बंदा था वास्कोडो गामा ठीक है कहाँ से आया था ये आया था सी रूट से जिसे हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप कभी कभी पूछ लेते हैं कि उस सी रूट को क्या कहा जाता है जिसमें से वास्कोडो गामा आया था उस सी को क्या नाम दिया गया है उस सी को नाम दिया है केप ऑफ गुड होप ठीक है वो कहाँ पर आया था ये भी आपको पता होना चाहिए वो सबसे पहले आया था कालीकट में ठीक है गाइस तो कालीकट में तो आया था पहली बार तो वहां पे उसका स्वागत किसने किया था वहां पे कालीकट के एक रूलर थे राजा थे उसका नाम था जमून क्या नाम था उसका जमुन तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि जो पोर्टिग्यूज आए थे बड़ी बार पूछा जाता है कि फर्स्ट फैक्ट्री जो पोर्टिग्यूज ने कहां पर एस्टेब्लिश की थी कहा बहुत बार क्वेश्चन बनता है गाइज ये यहाँ पे की थी कोची में कोची में फर्स्ट फैक्ट्री जो इन्हें इन्हे जो आए थे पोर्टिग्यूज इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री जो कोची में की थी एस्टेब्लिश कब की थी 1503 में ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है फर्स्ट बंदा कौन आया था पोर्टुग्यूजामा कहाँ से आया था सी रूट से उस सी रूट को क्या कहा जाता है केप ऑफ गुड होप किसके शासनकाल में किस कहाँ पर आया था कालीकट में उस कालीकट का राजा कौन था जमुन पोर्टुग्यूज ने फर्स्ट फैक्ट्री कोची में कब डाली 1503 में ठीक है गाइज इतना सा आपको बड़ा ज्यादा हो गया वास्को गामा के बारे में तो पुर्तग्यूज पुर्तगाली यानी कि पुर्तग्यूज पुर्तगाली कब आए थे ये आए थे 1498 में सबसे पहले जो भारत में आए थे पुर्तग्यूज 1400 1498 1498 में सबसे पहले पुर्तग्यूज आए थे फर्स्ट से पहले बंदा आया था वास्को गामा ठीक है गैस तो चलते हैं डियाज के बारे में डियाज के बारे में ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में मैं नहीं आगे चलते हैं फ्रेंसिसको डी अल्मेडा यह भी एक बंदा था बहुत ही खतरनाक बंदा था ये फर्स्ट पोर्टुगिज गवर्नर इन इंडिया जो फर्स्ट गवर्नर बना था इंडिया में मैंने आपको बोला ना कि धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा फर्स्ट गवर्नर बना था वो था अल्मेडा यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में अल्मेडा बोला जाता है इसके तो इसने को अगर ये आया तो सभी जितने भी बाहर से आए सभी ने कोई ना कोई नीति अपनाई इसने नीति अपनाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति ये इसने नीति अपनाई थी तो जो फर्स्ट पुर्तगाइज वायसराय इंडिया में बने थे उसका भी यही आंसर है ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया भी बने थे और फर्स्ट पोर्टुगीज वाइज इन इंडिया भी कौन बने थे अल्मेडा ये आपको याद रखना है आगे आ गया एल्वो क्यूरिक्यू इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं ये सेकंड गवर्नर थे फर्स्ट गवर्नर कौन बना अल्मेडा सेकंड कौन बना एल्वी क्यूरिक्यू ठीक है गाइज ये ही रियल फाउंडर थे किसके फाउंडर थे पॉलिसी ऑफ इंपेरिज्म ठीक है थोड़ा थोड़ा आपको पता चल गया इसने क्या किया था कैप्चर कर लिया था हड़प लिया था किसको गोवा को कब 1510 को फिफ्टीन टेन यानी कि पंद्रह दस को इसने गुआ को हड़प लिया था ठीक है गाइज इतना बहुत है इसके बारे में तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो आ गए हैं हम अगले क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि विच सिटी हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर और ये आप किसी बच्चे को भी ये नहीं पता होगा कि ये इसका आंसर नहीं पता है ये कोई ना बोले कि मेरे को इसका आंसर नहीं पता है इसका आंसर जो जे जी, एंड के में रहता है उसे सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो उधमपुर जो गुम्मा होगा उसे पता होगा कितनी पॉपुलेशन है वहां पे अनंतनाग में जो कश्मीर साइड वाले उनको पता होगा जम्मू वाले यहाँ वाले जम्मू के एरिया में जो रहते हैं उनको भी पता होगा कि जम्मू में कितनी पॉपुलेशन है या हालांकि कितनी कितनी वो अंदाजा लगा लेंगे तो उनको जी एंड के वालों को ये इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा पता होना चाहिए तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर श्रीनगर सिटी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है जम्मू कश्मीर में वो एक ही सिटी है श्रीनगर सिटी तो इसमें ज्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा तो आगे हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये वाला क्वेश्चन बहुत ही हालांकि बहुत पेपर में बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है जो जो जिनके कजन या जिनके बड़े भाई बहन अभी अभी

और हरी सिंह हरी सिंह जिसको पता होगा कि हरी सिंह जो लगा देना ना वो बड़ा बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा हरी सिंह तो राजा था ये कहाँ से चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो चलते हैं शेख अब्दुल्ला पे शेख अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर बने थे पर कब बने थे जम्मू एंड कश्मीर के थर्ड चीफ मिनिस्टर हैं जी शेख अब्दुल्ला थर्ड चीफ मिनिस्टर फिर चलते हैं गुलाम इसका आंसर है आपको सभी को पता होगा मुझे बताने की लोड़ नहीं है इसका आंसर है गुलाम मोहम्मद बहुत 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 बार कभी ये लिख देते हैं जी एम, -एम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में तो आपने याद रखना है जी एम क्या है गुलाम मोहम्मद साकििद यही इसका आंसर है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपने दिमाग में बिठा लो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है गुलाम मोहम्मद साकििद ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इसकी कि हर बार पूछा जाता है मैंने अभी तक दो तीन एग्जाम ही दिए हुए हैं तो उसमें हर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है हर बार हर बार ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इनके पास क्वेश्चन तो ज़्यादा होते नहीं है जेके एस एस बी वालों के पास यही घुमा फिरा के डाल देते हैं वो वाले क्वेश्चन पिछले ही उठाकर तो ये वाला अगर उन्होंने देख लिया ना तो यही क्वेश्चन डालेंगे क्योंकि क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने याद रखना है इसका आंसर है गुलाम मोहम्मद साकििद आप नोट करके रख रख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको फोर्थ क्लास में जरूर देखने को मिलेगा जरूर और भी किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है पर फोर्थ क्लास में देखने को जरूर मिलेगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो गाइज आगे हम अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है हेमिस फेस्टिवल इज पॉपुलर मास्क फेस्टिवल ऑफ विचार फॉलिंग रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर आपने सुन लिया कि हेमिस हेमिस मीन जल्दी से फ्राक ये क्वेश्चन थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन है यहाँ पे फिर जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा गाइज अगर हेमिस फेस्टिवल लिख दिया तो अब जाने की ड्यूटी बन गई है जम्मू कश्मीर बकरी हो अलग होगी है और लद्दाख अलग हो गई है तो आपने क्या करना है ये तो पिछली वाला क्वेश्चन उठाया गया है कई बार ये कैसे वाले नहीं देखते कि जू बन चुकी है या नहीं बन चुकी है वो पिछले वाला ही पूछ लेते हैं तो आपको बता दू कि हेमिस मोनेस्ट्री तो ये कहाँ पर है किससे रिलेटेड है सीधा सीधा बड़ी बार पूछा जाता है कि हेमिन मोनेस्ट्री ये सीधा लद्दाख से रिलेटेड है कोई जम्मू कोई कश्मीर नहीं सीधा लद्दाख अगर हैमिस मिला तो सीधा लद्दाख पे क्लिक करना और आंसर आपका सही तो इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे तो आ गए हैं हम अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया गया है आपको बिच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए तो मैं देखता हूँ कि कौन कौन आंसर सही देता है और कौन गलत देता है और इसके बारे में जो फैक्ट है आंसर सभी को पता होता है पर वो अलग बात है कि गलत कौन लगाता है और सही कौन लगाता है वो मैं आपको डिफरेंट करके डिफरेंशिएट करके बता दूंगा कि क्या है कैसे आपसे गलती हो जाती है तो चलो जल्दी से आंसर दे दो कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं कमेंट में तो चलो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पूछा कि जो एप्पल है किस जम्मू कश्मीर के किस टाउन में किस यानी कि जम उगाए जाने मैं आपको कि जम्मू कश्मीर में यहां पर इस 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 जाने की स्टेट में इस वो वाली तो आ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है विच टाउन इन विच जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एपल टाउन किसे कहा जाता है सेबों की टाउन बताओ बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो फिर देखता हूं मैं कौन आंसर इसका सही देता है और, गलत। और जो गलत दे, देगा ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन भी अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम जो अभी अभी हालांकि हुआ है पहले पिछले महीने उसमें ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था मैंने पहले दौर आया थी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गुलाम मोहम्मद साकिब वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मैं खुद अकाउंटेंट असिस्टेंट का पेपर देके आया हूँ मैंने देखा है वो वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी हालांकि बहुत बार पूछा गया है तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं देना है ये क्वेश्चन बांध के रख लो आपने उठी में तो मैं आपको बता दू जल्दी से बता दो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो जल्दी से हाँ तो चलो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पूछा है कि किस टाउन में मतलब किस टाउन में ज्यादा से ज्यादा एप्पल उगाए जाते हैं जिसमें ज्यादा उगाए जाएंगे उसी को कहेंगे एप्पल टाउन तो वो वाली जो टाउन है वो कौन सी टाउन है मैं आपको बता दूं कई बच्चे आंसर दे दे होंगे शोपियन शोपियन डिस्ट्रिक्ट यार शोपियन कहाँ से आ गया जो जम्मू में रहते हैं क्या वो देखते हैं जो अगर कोई जम्मू आंसर देगा तो जम्मू में क्या एप्पल लगते हैं एप्पल कहाँ दिखते हैं आपको मंडी में दिखते होंगे रेडी पे दिखते होंगे जहाँ पे एप्पल बिकते हैं दुकानों में दिखते होंगे कभी पेड़ों पे दिखे हैं एप्पल देखे हैं, तो जम्मू आंसर कभी मत देना ठीक है शोपियन शोपियन कोई एप्पल की वो वाली वो नहीं है कि वहां पर एप्पल लगते हैं, कई बच्चे सपोर और शोपियन में अंतर नहीं समझ पाते वो ऐसे देखते हैं और टिक कर देते हैं शोपियन 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 यार शोपियन एक ऐसा क्वेश्चन है कि एप्पल एप्पल की टाउन कौन सी है एक बार याद कर लिया तो कैसे भूल जाए ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलना चाहिए इसका आंसर है सपोर जिस बच्चे ने सपोर आंसर दिया है बहुत ही अच्छा आंसर दिया है यही आंसर है इसका सही में यही है तो कई बच्चे ऐस के साथ यानी कि ये याद मैंने बोला कि जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना वो आंसर भूल जाते हैं दो महीने के बाद क्वेश्चन आएगा आंसर को भूल जाएंगे यही बात है क्वेश्चन के बीच में बढ़ जाओ और पूरा खगोल के पूरे क्वेश्चन को ऐसे निचोड़ के पी जाओ यानी कि क्वेश्चन आपको फिर कभी दिखे तो टेंशन लेने की कोई बात ना हो जल्दी से आंसर का जवाब दे दो अगर आपको सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है मेरे को भी मिल गया है जो आपने दिया आपको भी मिल गया जो मैंने बताया ए वॉट इसका आंसर है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है साइंस का क्वेश्चन बायो का क्वेश्चन निकल के आ रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए क्वेश्चन को पढ़ लो और आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन बिच ऑर्गन डज जॉन्डिस अफेक्ट कौन सा अंग है जो हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो जॉन्डिस यानी कि पीलिया से ग्रस्त है जिसे पीलिया होता है जो पीलिया से ग्रस्त होता है वो कौन सा अंग होता है यानी कि हट क्या दिल होता है दिल क्या आपने सुना होगा इसको पीलिया हो गया दिल में हो सकता है दिल कभी नहीं तो दिल को छोड़ो बाहर दूसरी बात लंग्स क्या फेफड़ों में पीलिया होगा मुझे एक बात बताओ क्या फेफड़ों में पीलिया होगा हार्ट हो गया खत्म हार्ट वाला आंसर खत्म लंग्स में पीलिया होगा नहीं इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत मत करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है कभी सुना है कि लंग्स में पीलिया हो रहा है कैंसल करो इसको भी। के चलते हैं। क्या आपका पेट यहां पे खाना पचता है ठीक है क्या यहाँ पे होगा पीलिया तो बचा क्या लीवर अगर आपको आंसर नहीं पता है कि इसका आंसर लीवर है तो आपने जैसे जो नेचुरल बातें होती हैं घर पे बातें हो रही हैं कभी आप सुन रहे हो यार उसी पीलिया हो हुई हो, उसी पीलिया हो हुई तक तो कभी आपने ऐसे सुना कि उसको हॉट में पीलिया हो गया दिल में पीलिया हो गया लंग्स में फेफड़ों में पीलिया हो गया पेट में पीलिया हो गया सुना कभी सीधा सीधा एलिमिनेट कर देना तीनों बाकी वाले आंसर को और जो आंसर बचा टिक कर दो उसे यानी कि लीवर आंसर आपका निकल के आ रहा है यानी कि इसका आंसर है लीवर अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो तभी भी छोटी सी ट्रिक अपना जो खोपड़ा यानी कि अपना दिमाग है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में लगा लो और आंसर निकल के खुद ब खुद बाहर आएगा ये क्वेश्चन खुद ब खुद थोड़ी बने होते हैं ये हमारे से ही क्वेश्चन बने होते हैं कोई हमारी बॉडी से क्वेश्चन कोई हमारे आसपास से क्वेश्चन कोई हिस्ट्री से कोई आगे से कोई जगह से कोई आपको क्या क्वेश्चन होते हैं जीके होता क्या है जीके होता है नदियों के बारे में जो आपके नेचुरल चीज़ें है ना जो आगे पीछे, उसी के बारे में पूछा जाता है आपको तो पूछा क्यों जाता है वो इसलिए पूछा जाता है कि अगर आपकी जॉब लग जाए तो आपको ये ये चीजें पता होनी चाहिए देन दुनिया का पता होना चाहिए क्या है क्या, है, क्या नहीं तो है क्या जीके जीके यही है इन्वामेंट ही जीके है पूरा इन्वामेंट है उसी पे जीके बना हुआ है अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वो क्या है वो भी आदमियों के बारे में है किसी के बारे में तो है ना ऐसे थोड़ी है फालतू में वो आपको बता रहे हैं कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या घट गया है क्या होने वाला है क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए तो चलो चलते हैं अगली जिसको समझ आ गया ठीक है नहीं समझ आया तो वो कि कोई भी उसे समझा नहीं पाएगा तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये कि हम अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताऊंगा तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर आंसर में दिया गया है गाइस थ्री फोर फाइव सेवन तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है आपने क्या करना है क्या हुआ कि जैसे ही जे के स्टेट टूटी जम्मू कश्मीर टूटा पहले लद्दाख इसमें ही था अब दो यूटी बन गई है लद्दाख को अलग कर दिया गया है जम्मू कश्मीर यूटी को अलग कर दिया गया है तो आपने खुद जाना है गूगल में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको कम पता चलेगा अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे ढूंढोगे चीज़ों के बारे में तो आपको ज़्यादा पता चलेगा और कभी भी आप बोले बोलोगे नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि पार्क कौन कौन से थे पहले जम्मू कश्मीर में अब आपने पता कर लेने हैं तो जैसे मैं आपको बताऊंगा ना इसमें ही आपको पता चल जाएगा जो समझने वाला होगा इसी में समझ आएगा तो पहला पार्क जो निकल के आ रहा है वो है डाचीगम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क है वो डाचीगम नेशनल पार्क है तो वो डाँची नेशनल पार्क में फेमस क्या चीज़ें हैं वहाँ पर हंगुल और कश्मीरी स्टैग जिसे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है वो वहाँ पर फेमस है वहाँ पर रखे गए हैं उस पार्क में तो वो पार्क कहाँ पर है वो पार्क है श्रीनगर के पास या श्रीनगर में ठीक है गाइज तो आगे चलते हैं जो ये डाँची गम वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछते हैं कि डाची गम में क्या क्या फ़ेमस है आपने सीधा सीधा अपने याद रखना है कश्मीरी स्टैग और होंगल देखना गाइज यहाँ पे कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उन्होंने पूछा था नेशनल पार्क और मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ ये आप समझने की कोशिश करो अगला निकल के आ रहा है सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क में क्या फेमस है और कहाँ पर है सलीम अली नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क भी गाइज श्रीनगर में है तो ये यहाँ पर क्या फेमस है यहाँ पर हिमालयन स्नो काक यानी कि बर्फ में रहने वाले हिमालयन पहाड़ों की बर्फ़ में रहने वाले मुर्गे यहाँ पे फेमस है तो उसके बाद निकल के आ रहा है काजी नाग पार्क ये भी गाइस श्रीनगर में है यहाँ पे क्या फेमस है यहाँ पे फेमस है मरखोल यानी कि कैपरा फैली ये कुछ अलग सा नाम है गाइज ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है सीधा सीधा याद रख लो कि काजी नाग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर में उसके बाद निकल के आ रहा है किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क ये कहाँ पर है ये आपको खुद पता करना है और यहाँ पे फ़ेमस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फेमस है ब्राउन बियर बालू और हिमालय हिमालयन स्नो काक भी यहाँ पे फेमस है और उसके बाद सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क सी एफ ओ सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसे हम सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं दिमाग में बैठा कुछ बैठा कुछ घुमा फिरा के ला रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन पहले मैंने क्या पूछा सलीम अली नेशनल पार्क अब मैंने क्या पूछा सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क नोन एज सलीम अली नेशनल पार्क एंड मैं आपने काउंट करने हैं कि मैंने कितने बताए और बने कितने घुमा फिरा के पूछ रहा हूँ सब कुछ सलीम अली नेशनल पार्क पहले पूछा बता दिया वहाँ पे क्या फेमस है स्नो काक हिमालयन स्नो काक और यहाँ पे क्या फेमस है वो आपको पहले से बता दिया है बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे यही बताया कि सलीम अली नेशनल पार्क को ही सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क को ही नाम दिया गया है सलीम नेशनल पार्क श्रीनगर मैंने आपको पहले से बताया हुआ है यानी कि दो बार जो मैंने दो बार बता दिया आपको फिर उसके बाद आ गया हेमिस नेशनल पार्क हैमिस का मतलब जट से पता चल जाएगा आपको पहले भी बताया हेमिस आ गया तो लद्दाख फटाक से आंसर हेमिस कहीं देख गया लद्दाख लगा दो हेमिस नेशनल पार्क सीधा लद्दाख में है मैं बता देता हूँ तो किसके लिए है यहाँ पे पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं एशियटिक इबेक्स भी पाई जाती है ग्रेट तेवितियन शिप भी पाई जाती है जिसे अर्गली कहा जाता है अर्गली को ही यहाँ पे अगर आपको दिया होगा कि अरगली कहाँ पे पाई जाती है ए आर जी एल आई अर्गली

कि अगर किसी ने आ, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ कर दो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कई मैं देखता हूँ गाइज मैं एक स्टोरी थोड़ी सी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कई बार देखता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले ही कई बंदे डिसलाइक पे क्लिक कर देते हैं क्या कर देते हैं डिसलाइक ध्यान से सुनिएगा गाइज एक मिनट लूँगा आपका बाकी फिर ख़त्म ही है सेशन तो क्या कर देते हैं डिसलाइक पे क्लिक कर देते हैं तो मैं आपको एक थोड़ा सा आपके ज़िंदगी के थोड़ा सा पीछे लेना जा रहा हूँ आपको तो आपको ले चलता हूँ मैं जब आप एट्थ में पढ़ते थे नाइन्थ में या टेंथ में एलेवंथ में ट्वेल्थ में कहीं में भी तो आप क्या करते थे पूरी साल मेहनत करते थे करते थे ना पूरी साल मेहनत करनी है और जब एग्ज़ाम आता है ठीक है जब एग्ज़ाम आता है तो कहीं शोर पड़ा हो एग्ज़ाम हॉल में तो जहाँ पर आपकी शीट छीन ली जाए आप क्या कहते हो एग्ज़ामिनर से ये मुझे आपको बताना है आप कहते हो सर मैंने पूरे साल मेहनत की है मेरी शीट दे दो मैंने पूरे साल मेहनत की है सर मेरी शीट दे दो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मैं फेल हो जाऊंगा सर या जा फिर आप अच्छा पेपर कर लेते हो सौ नंबर का कर लेते हो सौ नंबर का सौ नंबर का कर लिया और आपको मार्क्स मिलते हैं थर्टी थ्री तो जब आप मार्क्स देखते हो ना अपने तो आपको लगता है यार मैं तो पूरे साल मेहनत की ये क्या ध्यान से पेपर ही नहीं चेक किया पूरा पेपर चेक करता तो मेरे नंबर तो यार सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन मैंने तो हंड्रेड क्या किया था देने थे तो सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट दे देता अस्सी दे देता सत्तर दे देता दे दे यार तैतीस नंबर दे रहा है पेपर ही नहीं किया इसने चेक वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है गाइस जो बंदे डिसलाइक ठोक देते हैं ना हमको भी ऐसा ही लगता है वीडियो देखी नहीं पहले ही डिसलाइक कर दिया अगर आपको डिसलाइक करना है तो पूरी वीडियो देखो पूरी सेशन को देखो उसके बाद आपको लगेगा कि डिसलाइक करना है या लाइक करना है अगर आपका मन करता है कंटेंट अच्छा नहीं है आपको समझ नहीं आया आपको हमारे कंटेंट में कुछ गलत दिख रहा है गलत पढ़ाया या गलत कुछ हुआ तो फिर आप डिसलाइक करो फिर हम मानेंगे आप कमेंट में दो हमें कि आपसे सर ये गलती होगी हम भी इंसान ही हैं हम कोई भगवान थोड़ी है कि पूरा पूरा सेशन ऐसे हम भी कहीं से उठा के लाते हैं कंटेंट और फिर पूरी रात मेहनत करते हैं कंटेंट को पीपीटी बनाते हैं इसकी कंटेंट की फिर टाइप करते हैं टाइप करने में बड़ा बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है टाइप करके फिर पीपीटी बना के फिर पूरा ऐसे डिक्लेरेशन करके पूरी वेरिफिकेशन करके कि कहीं गलती न, गलती तो नहीं हो रही अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप कमेंट में बताइए ना हमें ये थोड़ी है कि डिसलाइक कर दिया वो भी बिना वीडियो देखे अगर करना है तो वीडियो को एंड में एंड में करो ना देख के पूरा ये थोड़ी होता है इतनी मेहनत करने के बाद हम सिर्फ आपसे लाइक और लाइक शेयर सब्सक्राइब मांग रहे हैं और आप क्या डिसलाइक ठोक रहे हो ये थोड़ी बात होती है और आगे मैं आपको कितना बता सकता हूँ करनी तो आपने अपनी मर्जी ही है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं अगर आपका मन है आपको ठीक लग रहा है तो कर दो अगर आपको पता है कि मेहनत कैसे की जाती है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करोगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक है ओके गाइस, सी यू लेटर